और ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट मतलब ये पूरा जो मैं गार्लैंड बनाई थी उसका कंप्लीट हुआ है और पूरा फिनिशिंग बाकी है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल अनिता वर्किंग ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में सबको स्वागत करती हूँ। और अभी इवनिंग हो गया है, सबको गुड इवनिंग। और चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग तो घूम घूम के होता है, लेकिन मैं घर में ही बना रही हूँ। तो सुबह का जो काम था उसको ख़त्म कर ली हूँ। और अभी मेरा जो भी आप लोग के साथ शेयरिंग था उसको मैं इवनिंग को ही स्टार्ट करती हूँ। और जो गार्लैंड बनाना है उसको मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। और रोज़ का तो मैं पहले वाला मेरा सब वीडियो में कैसे बनाते हैं रोज़ उसको मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और जो जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। और मैं फिर एक बार आज बताना चाहूँगी कि कौन सा कितना कितना सेम में लेके मैं बनाती हूँ। और जो वाइट और पिंक कलर का कम्युनिकेशन लेके मैं कंबाइन करके जो बना रही हूँ गार्लैंड, उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। गार्लैंड में दिखाऊँगी कैसे कैसे करना है। तो ये मेरा छोटा सा घर है, ये वाला सेकेंड रूम है, बेडरूम। और ये वाला हम लोग बैठते हैं, तो यहीं पर ही मैं सब कुछ करती हूँ। और देखिए नीचे नीचे सब रखी हूँ। आप लोग को बैक कैमरा में दिखा रही हूँ, बैक कैमरा में दिखाती हूँ कैसे कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला रोज़ बना चुके हैं और ये वाला पिंक वाला भी बना चुके हैं। तो इसको ऐसे ये करना है, देखिए कितना लंबा लंबा है। ये वाला को ऐसे काटना है और थोड़ा साइज करना है, थोड़ी थोड़ी सी इसको हम लोग ऐसे साइज करेंगे। ऐसे सभी को ऐसे साइज करने से अच्छा होता है। देखिए ये वाला सभी को ऐसे थोड़ी थोड़ी सी इसको इतना लंबा लंबा है ये वाला, इसको ऐसे साइज करेंगे और उसके बाद इसका गार्लैंड बनाएंगे। और क्या क्या यूज़ करूँगी, देखिए ये वाला वाइट वाला, ये पिंक है और ये वाला ऐड कर रही हूँ नेट का। और ये वाला गजरा यूज़ कर रही हूँ। ये गजरा आप लोग पूछते हैं कितना सीएम का है, तो मैं बताना चाहूँगी ये वाला भी 3x3 सीएम का मैं इसको कटिंग की हूँ। और ये वाला लगेगा, थ्रेड लगेगा और निडिल। और ये वाला भी, ये मोती वाइट मोती और बड़ा बड़ा मोती, ये वाला गोल्डन, ये वाला चमकीला। और ये वाला नीचे का जो झालर बनाते हैं घंटी लगेगा। और देखिए ये वाला भी हो गया है। इसको पूछते हैं कितना सेम का मैं बनाती हूँ, तो आप ये वाला स्पेशल में एक वीडियो बना चुकी हूँ इसका, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका मैं कितना सेम बनाई हूँ। मैं नीचे जो एंड स्क्रीन में दे दूँगी इसका स्पेशल वीडियो है, तो इसका मैं बता देती हूँ 8 cm या 9 cm ले सकते हैं आप लोग। और उसको कैसे करते हैं उसको वीडियो मैं दे चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो ये वाला इतना लेके हम लोग गार्लैंड बनाएंगे। तो चलिए गार्लैंड बनाते हैं। इसको साफ़ कर लेती हूँ, इसका थोड़ा कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद दिखाऊंगी। वाइट और पिंक का ये वाला मैरिज के लिए ऑर्डर मिला है, तो इसको कैसा दिखेगा आप लोग कैसे शेयर करूँगी, कौन सा डिज़ाइन बनाऊँगी। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, देखते रहिए मैं कौन सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। वो मैं झाट के साफ कर ली हूँ दोनों, और उसके बाद अभी गार्लैंड बनाएंगे। फ्रेंड्स आज जितना होगा मैं बना रही हूँ, फिर एक दिन में तो ये ख़त्म नहीं होगा, तो आप लोगों को फिर उसको नेक्स्ट डे में बना के ख़त्म करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज जितना होगा चलिए बनाते हैं, दिखाती हूँ। देखिए ऐसे स्टार्ट करना है जैसे सभी गार्लैंड में करते हैं, वैसे ही स्टार्ट की हूँ मैं। और देखिए ये वाला नीचे स्टार्ट में मोती, उसके बाद गोल्डन रिबन
और ग्रीन गजरा, और जो नेट दिखाई थी उसको मैं बीच बीच में दी हूँ ऐसे करके, पिंक वाइट का तीन, उसके बाद फिर ग्रीन और फिर पिंक ऐसे करके मैं गजरा लगाई हूँ। और बीच में देखिए दो दो मोती डिफरेंस करके दी हूँ बीच में, और ये वाइट है, ग्रीन और फिर पिंक है, और फिर बीच में ग्रीन, और जो नेट वाला लगाई थी उसको नेट को भी मैं 3x3 करके कट के ऐसे दोनों तरफ करके लगाई हूँ ऐसे, देखिए एंड हो गया। और बीच में थोड़ी सी गोल्डन वाला ये मोती लगाई हूँ, डिजाइन की हूँ, देखिए एक हो गया एक साइड का, तो वैसे ही फिर दूसरे साइड का हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए कैसे दिखेगा आप हमारे गार्लैंड, तो देखिए और आप लोग खुद सीखिए बनाइए। देखिए हो गया, दोनों तरफ मैं बना ली हूँ, कैसे लग रहा है देखिए। इसमें मैं मोती ऐड नहीं की हूँ, देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए नीचे का झालर लगाना बाकी है, तो ये वाला झालर भी बना चुकी हूँ, तो इसको मैं लगाऊंगी, उसके बाद लास्ट दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है। इसे मैं बता चुकी हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ, मेरे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग, एंड स्क्रीन में दे दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल अनिता वर्किंग व्लॉग, और मेरे व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ नेक्स्ट डे में। और जो गर्लेट बना रही थी वो आधा की थी, तो आज फिर मैं देखिए उसको स्कूल से आके सुबह कंप्लीट कर ली हूँ। तो अभी देखिए मेरे पीछे मैं इसको रखी हूँ और ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मतलब ये पूरा जो मैं गार्लैंड बनाई थी उसका कंप्लीट हुआ है, और पूरा फिनिशिंग बाकी है इसका, बीच बीच में मोती लगाऊंगी उसके बाद कंप्लीट होगा। तो आप लोग को बने रहिए देखते रहिए, मैं बैक कैमरा में दिखा रही हूँ कैसे हुआ है और मोती लगाने के बाद कैसे दिखेगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए दिखाती हूँ बैक कैमरा में, और देखिए कितनी बना रही है ड्राइंग, हेलो कर दे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फाइनली मेरा रेडी हो गया गार्लैंड, पिंक और वाइट कॉम्बाइन का रोज वाला गार्लैंड, वेडिंग गार्लैंड है, मैरिज के लिए ऑर्डर दिए थे, और मैं मोती लगा के फिनिशिंग कर ली हूँ। और कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और आप लोग ज़रूर सीखिए और कॉम्बाइन करना सीखिए, ये वाला लाइट पिंक और वाइट और बीच बीच में ग्रीन वाला जो गजरा लगाई हूँ, कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो जो मेरे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ कुछ सीखिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।